कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बड़खल के विधायक हैं धनेश अदलखा जो नए चुने गए हैं, ये इस समय अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है, इलाके के लोगों के बीच में है और तमाम तरह से खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग मिलने पहुंच रहे हैं। धनेश जी, कहीं खुशी कहीं गम, कांग्रेस के खेमे में गम और आपके खेमे में खुशी, किस तरह देख रहे हैं, किस तरह का? झूठ बोलने वालों को कभी खुशी मिल नहीं सकती, झूठ का पुलंदा खड़ा करने वालों को कभी खुशी नहीं मिलती। ये जीवन में भी है, राजनीति में भी है, व्यापार में भी है और परिवार में भी है। और उन्होंने सदा जिंदगी में झूठ की राजनीति करी, जनता ने उनको बता दिया कि तुम्हारे झूठे चक्रों में हम पड़ने वाले नहीं। 2014 से बड़ी जीत है। हमने देखा कि 2014 में जब पूरी तरह से एक लहर चल रही थी तब भी 47 सीटें थी, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इसका? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पूरे देश के अंदर जो स्कीम्स लागू करी वो धरातल पे जाकर के उतरी। जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री ये कहता था कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ 15 पैसे, मतलब 1 रुपए भेजता हूँ तो 15 पैसे मिलते हैं, हमारा प्रधानमंत्री कहता है 1 रुपए भेजूंगा 1 रुपए ही मिलेगा। तो वो चीज जब लोगों को मिली हुआ तो आपको बता देता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, राहुल कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, कल्याणपुरी, एसी नगर, मतलब कौन सी ऐसी कॉलोनी थी जो मैं जीत के नहीं चला, वो बता रही थी कि प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स हैं उनके साथ वो अटैच। अच्छा, आपको क्या लगता है कांग्रेस जिस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी, वहां तो लड़ाई इस बात की शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कहां कांग्रेस से चूक हुई और भारतीय जनता पार्टी के पॉजिटिव में क्या जागता ही नहीं हूं? एक चीज बताएं, आपकी जो सीट थी यहां पहले शिक्षा मंत्री थे, अब इस बार आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह का माहौल? धनेश अदलखा विधायक है, विधायक था, विधायक रहेगा। इलाके के लोगों के लिए, चूंकि हम लाइव हैं, इलाके के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आप कौन से ऐसे काम जिनको? देखो, आज मैंने 4 बजे डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई कंट्रोलर को बुलाया हुआ है। मेरे इलाके में 7 तारीख को यदि राशन नहीं बटा, जिस डिपो वाले ने नहीं बांटा वो अपना इंतजाम कर ले। पहला बड़ा आपने कदम, मेरे गरीब लोगों को, मेरी जनता को राशन सरकार टाइम पर भेज रही है, लेकिन ये चोर 2 नंबर के धंधों के चक्कर में डिले करते हैं, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहला बड़ा एक्शन आपका, आपने पहले ही दिन मीटिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे लोगों को राशन टाइम पे मिले, जो सुविधाएं वो टाइम पर मिले। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आज मैंने डीएफएससी को कह दिया कि मैं कल निकलूं, परसों निकलूं और जिस भी डिपो को चेक करने चला जाऊं, यदि मुझे मिल गया तो FIR दर्ज कराऊंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर मत कहना कि जी वो मेरी पार्टी का या वो मेरी पार्टी का, वो मेरा रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है। पार्षद रहते हुए आपके जो काम है वो एक रिकॉर्ड की तरह पेश किए जाते हैं। आप एक चीज बताएं कि अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बड़खल, चूंकि आपने बहुत तरीके से घूम लिया, तरीके की एक एक चीज आपने देख ली, कौन से 5 चीजें ऐसी हैं जिसको आप बड़खल में बदलना चाहेंगे और माहौल बदलता हुआ दिखेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़खल के अंदर काम बहुत हुए लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिसर्स ने उसको सिस्टमेटिकली नहीं किया। एक रोड बननी शुरू हुई, इधर से बनी, बीच में रह गई, उधर से बनी, वो बीच का जो पैच है उसको लोग गाली दे रहे हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सिस्टमेटिकली काम करो ना, आप चलिए मेरा वार्ड देखिए, 1 इंच भी गलत काम नहीं हो सकता। आप देखिएगा, मैंने 100 दिन मांगे हैं लोगों से, 30 दिन बाद आपको इंटरव्यू दूंगा कि सीवर की समस्या की पूछाओ। कल परसों तरसों 3 दिन का टाइम दे दिया है FMDA को भी और कमिश्नर नगर निगम के ऑफिस इनको, चीफ इंजीनियर इनको, 3 दिन में सीवर की समस्या ठीक कर लो, नहीं तो फिर मैं तैयारी का मैं बताऊंगा कैसे होती। राशन की बात आपने की, सीवर की बात आपने की, पानी की बात आपने दिया, या तो कर लो और नहीं तो तैयार रहो, मैं परवाह नहीं करूंगा किसी भी चीज की। मुझे विधायक जनता ने बनाया और काम के लिए बनाया। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को सख्त इंस्ट्रक्शन है, होश में आ जाओ, जाग लो, नहीं तो मैं इंस्पेक्टर को भी FIR कराऊंगा, फिर जमानते कराते घूमना कहीं भी, मैं परवाह नहीं करूंगा बिल्कुल। और सीवर के मामले में 3 दिन का टाइम दे दिया, आज कल और परसों सुपर चक्कर लगाओ, लाइन खोलो, जो कुछ FMDA के चीफ इंजीनियर को भी या नगर निगम के चीफ इंजीनियर को, अपना बैठ के मीटिंग कर लो। 5 बजे 6 बजे आज मीटिंग बुलाऊंगा दोनों को, खुद मौके पे विजिट करूंगा, जहां जहां दिक्कत है। आप देखिएगा, 4 दिन बाद मैं अपने आप लोगों को पूछूंगा कि सीवर की समस्या मुझे बता दो। एक अंतिम सवाल और, क्या वजह मानते हैं आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इतना गजब का मैंडेट जो हासिल किया, मैंने पहले भी पूछा, दोबारा उसी सवाल को पूछ रहा हूं, उसके पीछे की कोई बड़ी वजह? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी का नारा देकर के चुनाव लड़ती है, 36 बिरादरी का नाता देकर के चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस कहती है हम जातिगण जनना कराएंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, काय को झूठ का पुलंदा बना रखा है तुमने।
इस देश के दो टुकड़े करवा दिए तुमने, बर्बाद कर दिया पंजाबियों को तुमने, तुमने तुमने मतलब तुमने, जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के चक्कर में इस देश का नाश तुमने किया, पंजाबी तो बेचारे लुटवा दिए तुमने, अच्छे भले व्यापार कंद धंधे व्यापार सब कुछ क्या छोड़ दिया तुमने, किस बात की बात करते हो, पूछता हूँ ना जब, मेरी बड़ी बुआ मेरी ताई जी सब लोग बताते हैं आंख में आंसू होते हैं, इन्होंने दुख दिए हैं, ये सुखी नहीं रह सकते, बद्दुआ इनके साथ है, खुशी देने का काम आप करेंगे, मैं बिरादरी के साथ हूँ, समाज के साथ हूँ, हर पल सब, और आपको बता दिया दीपक जी आपने मेरी 15 साल की कार्यशाला ली, अभी आप 15 दिन की देखना। तो ये धनेश अदलखा हैं, पहले दिन से एक्शन मोड में है, कल चुनाव के नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, विधायक जीते, जहां जहां से विधायक जीते हैं, जैसे इस समय बड़खल विधानसभा में मैं हूं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अधिकारियों की बैठक बुला ली है, निर्देश दे दिए गए हैं और शाम को अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर शहर के विकास का खाका खींचने का काम किया गया है।